भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को टक्कर देने की अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानते हुए अपना फर्जी दावा ठोकता रहा है। चीन ने विस्तारवादी नीति के चलते हालिया वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं। चीन की बढ़ती सक्रियता के चलते भारत ने भी अब बड़े पैमाने पर इससे निपटने की कवायद शुरू की है। चीन अरुणाचल सीमा पर अक्सर उकसावे भरी कार्रवाई कर हालात भड़काने की कोशिश करता रहा है। समय समय पर भारतीय सेना भी चीनी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देती रही है। इसी सिलसिले में खबर सामने आई है कि सेना ने अरुणाचल में अपनी कमर कस ली है। LAC के पास चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ ही M777 अल्ट्रा लाइट हेविटजर को भी तैनात किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत LAC के पास अपनी जंगी काबिलियत को लगातार पैना कर रहा है। हैवी लिफ्ट चिनूक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गेम चेंजर साबित हो रहा है। चिनूक अधिक भार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। चिनूक से M777 अल्ट्रा लाइट हेविटजर को भी चंद घंटों में अरुणाचल पहुंचाया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में कई हेलीपैड्स बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन हेलीपैड्स को चिनूक हैवीवेट हेलीकॉप्टर के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल की सभी 7 घाटियों में चिनूक के अनुकूल हेलीपैड बनाए गए हैं। साल 2020 से 2023 तक 9 हेलीपैड बनाए जा चुके हैं, वहीं 6 और का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा चीन की चालाकियों पर लगाम कसने के लिए सीमावर्ती इलाकों में सड़कें और एयर फैसिलिटी का विस्तार किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। हाल ही में BRO के जवानों ने अरुणाचल के सेला पास में 2 सुरंगों का सफलतापूर्वक निर्माण किया। इससे सेना के साथ ही आम लोगों का भी करीब 3 घंटे का सफर कम होगा। ऐसा दावा है कि इन दोनों सुरंगों से जवानों की तवांग तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। तवांग में चीनी सैनिक अक्सर सीमा में अतिक्रमण कर भारत में घुस आते हैं। साथ ही भारत सरकार ने सीमा से सटे इलाकों में बसे दुर्गम गांवों तक सड़कों का जाल बिछाकर दूरी पाटने का काम किया है। साथ ही मॉडल गांव विकसित कर इलाकों को सुविधा संपन्न बनाने की पहल की है। इतना ही नहीं, इलाके में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। दरअसल सीमावर्ती इलाकों तक कनेक्टिविटी बेहतर होना सामरिक लिहाज से काफी अहम है। इससे जरूरत पड़ने पर सेना और सैन्य साजो सामान बहुत कम समय में मोर्चों तक पहुंचाए जा सकते हैं।